बिहार में नगर निकाय चुनाव 2022 के दोनों चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन नालंदा जिला के बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र के द्वितीय चरण में वार्ड संख्या 51 की प्रत्याशी कविता कुमारी को विजय घोषित किया गया, लेकिन रनर प्रत्याशी प्रीति कुमारी ने बताया कि जब रिकाउंटिंग करवाया तो उसे 7 वोट से अपराजित घोषित कर दिया गया, जिसके बाद पुनः गणना के लिए कहा तो उन्हें मना कर दिया गया। वहीं जल्द से हस्ताक्षर करवाकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। जब सूत्रों के हवाले से 6:16 पर चुनाव आयोग के साइट पर चेक किया गया तो हारी हुई प्रत्याशी प्रीति कुमारी को 926 वोट मिले और जीती हुई प्रत्याशी को 895 वोट प्राप्त हुए। तो फिर हमें हार कैसे घोषित किया गया? इसी को लेकर आज वार्ड 51 के दर्जनों की संख्या में समर्थकों के साथ घेराव कर इंसाफ की गुहार लगाई गई। कहाँ से आप चुनाव लड़ी थी और क्या आरोप है आपका? 51 वार्ड पार्षद सुनवाई चुनाव लड़े, क्या आरोप है? आरोप यही है कि हम लोग का चुनाव को आयोजित घोषित कर दिया गया था कि मतलब जीत गए हैं, फिर 10-15 मिनट के बाद फिर जाएगी 7 नंबर से हार गए हैं, 7 वोट से हार गए। कौन सा वार्ड खड़ा हुई थी आप? 51 वार्ड से। किसका लापरवाही लग रहा है आपका? प्रशासन का। आपका चुनाव आयोग आप आज कहाँ आए? आप आज हम लोग आए हैं मिलने के लिए। जी हाँ। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। का आरोप है आप किसे यहाँ आए हैं? देखिए, ये मेरी भाभी है, वार्ड नंबर 51 से चुनाव लड़ी थी पार्षद पद के लिए। इनको जब साइन करने के लिए बुलाया गया, पहले तो अंदर काउंटिंग में ये खुद ही थी, उसमें इनको बताया गया कि आप जीत चुके हैं, विजयी इनको घोषित किया गया, तो ये लोग खुशी के मारे बाहर आ गए कि हम विजयी हो गए हैं। 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद इनको बुलाया गया कि आप हस्ताक्षर नहीं किए। जब ये हस्ताक्षर करने गए तो बोला गया कि आप 7 वोट से हार गए हैं। कहाँ गड़बड़ी लग रहा है आपको? गड़बड़ी सब अंदर का मिली भगत है आप जो बोलिए, इनका तो ये जो विकास का आयोग है हम उन्हीं का मतलब गलती माने।